कॉमन आर्म उन दोनों एंगल में कॉमन आर्म भी होना चाहिए एंड दे नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म और जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो आइदर साइड होना चाहिए कॉमन आर्म के फॉर एग्जाम्पल यहाँ सी करते हैं देखिए एंगल वन एंड एंगल टू ये आपका एंगल वन है और ये एंगल टू है ये दोनों एंगल आपके एडसेंट एंगल एग्जूम होंगे क्यों क्योंकि फर्स्ट इसमें कंडीशन देखिए दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स इसमें कॉमन वर्टेक्स यानी एंगल फर्स्ट जो है ए डी बी है ठीक है ना और दूसरा है बी डी सी ठीक है एंगल फर्स्ट में और एंगल सेकेंड में कॉमन वर्टेक्स क्या है फर्स्ट कंडीशन में कॉमन वर्टेक्स क्या है डी है ठीक है उसके बाद आता है दे हैव ए कॉमन आर्म दोनों में कॉमन आर्म क्या है यानी ए डी ई ए डी बी और सी डी बी इन दोनों में कॉमन आर्म आपका हो गया सेकेंड कंडीशन को जो सेटिस्फाइड किया वो क्या किया तो बी डी दोनों में कॉमन आर्म हो गया और थर्ड कंडीशन है द नॉन कॉमन आर्म अब नॉन कॉमन आर्म कौन से हो गए ए डी और डी सी द नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म वो कॉमन आर्म के आइदर साइड यानी दोनों तरफ होने चाहिए तो ये दोनों तरफ है दैट मीन्स एंगल वन एंड एंगल टू आर एडजेंट एंगल ठीक है नेक्स्ट यहाँ आपका एग्जांपल थ्री और फोर है इसमें देख रहे हैं कि ये एडजशेंट एंगल नहीं होगा क्यों क्योंकि इसमें जो आपका है कॉमन वर्टेक्स फर्स्ट ही कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता इसलिए एडसेंट एंगल नहीं होगा नेक्स्ट एंगल है लीनियर पेयर इसका डिफिनीशन दूसरे टाइप से भी हो सकता है यहां जो है लीनियर पेयर आर टू एडिसेंट एंगल दैट क्रिएट ए लाइन दो एडिसेंट एंगल्स एक क्रिएट अगर लाइन स्ट्रेट लाइन करता है तो वो क्या होगा लीनियर पेयर होगा या ऐसा भी डिफिनीशन कह सकते हैं हम लोग कि एडिसेंट एंगल